वेलकम स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि लिब्रे ऑफिस राइटर में हम पैराग्राफ को किस तरीके से स्टाइल कर सकते हैं, पैराग्राफ की ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि आप कंप्यूटर स्क्रीन देख रहे हैं, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर टेक्स्ट कुछ लिखा हुआ है पैरों के अंदर। तो आप यदि आपके डॉक्यूमेंट में कुछ पैरेज हैं तो उसमें हम कैसे फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, पैराग्राफ के लिए आप दो तरीक़ों से यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं जो भी ऑप्शन हैं। जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं बिल्कुल साइड बार में, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेंगे, यहाँ पर पाँच ऑप्शन मिलेंगे, एक प्रॉपर्टी का है, एक पेज का है, एक स्टाइल का है, एक गैलरी का है, एक नेविगेटर का है। आपने प्रॉपर्टी पर क्लिक करना है तो आपके सामने यहाँ पर तीन ऑप्शन फिर यहाँ पर आपको मिलेंगे देखने को, तो एक स्टाइल का है, एक करेक्टर का है, एक पैराग्राफ का है। तो आपने पैराग्राफ पर क्लिक करना है तो आपके सामने पैराग्राफ में जितने भी ऑप्शन हैं वो आपके सामने यहाँ पर दिखाई देगा। तो सबसे पहले हम करते हैं अलाइनमेंट। पैराग्राफ में हम अलाइनमेंट कैसे करते हैं, अलाइनमेंट का मतलब ये होता है कि हम जो भी जहाँ पर टेक्स्ट लिख रहे हैं उसकी अलाइनमेंट कैसे है, अपने पेज के साथ अलाइनमेंट कैसे है, कि उसने मतलब लेफ़्ट साइड में हमारा जो टेक्स्ट है वो समान है या इक्वल है, या फिर राइट साइड में है, या फिर हम दोनों साइड में करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम अलाइनमेंट ऑप्शन का यूज़ करते हैं। जैसा कि आपको मैं यहाँ पर लेफ़्ट अलाइनमेंट करता हूँ, जैसा कि इस पर क्लिक किया मैंने, इस पर क्लिक करके आप यहाँ पर लेफ़्ट अलाइनमेंट करेंगे तो ये क्या हो गया, हमारी अलाइनमेंट लेफ़्ट हो चुकी है। यहाँ पर राइट साइड में देखें तो यहाँ पर अलाइनमेंट नहीं हुई है क्योंकि हमने लेफ़्ट साइड अलाइनमेंट की थी। उसके बाद सेंटर, यदि हम सेंटर पर क्लिक करते हैं तो जो हमारा पैरा है वो हमारा पैराग्राफ है वो सेंटर में अलाइन हो जाएगा, लेफ़्ट और राइट से अलाइन नहीं होगा। उसके बाद यदि राइट करते हैं तो हम राइट से अलाइन कर सकते हैं, तो लेफ़्ट से नहीं होगा। यदि दोनों साइड से हम अलाइनमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। इसकी अलग अलग शॉर्टकट की है, आप चाहे तो कीबोर्ड से डायरेक्ट की प्रेस करके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि आप जस्टिफाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कंट्रोल जे टाइप करना है, लेफ़्ट के लिए आपको कंट्रोल एल टाइप करना है, सेंटर के लिए आपको कंट्रोल ई टाइप करना है, और यदि राइट अलाइनमेंट लगाना है तो कंट्रोल आर टाइप करना है, जो इसकी शॉर्टकट की है। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं कि हम पैराग्राफ में अंदर बुलेट्स भी लगा सकते हैं। अपने पैराग्राफ में यदि आपको एक से ज़्यादा सेंटेंसेस हैं तो आप उसमें बुलेट्स भी लगा सकते हैं। यदि आप अपनी फाइल के अंदर बुलेट्स लगाना है, नंबरिंग लगाना है, तो आप यहाँ पर जहाँ से लगा सकते हैं। तो इसके लिए कौन कौन से ऑप्शन हैं, आपने एरो के साथ यहाँ पर क्लिक करना है। एरो पर जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पर आपको काफ़ी सारे यहाँ पर बुलेट्स के डिज़ाइन मिलेंगे, इसमें से आप जो भी डिज़ाइन लगाना चाहते हैं तो उस पर आपने बस सिर्फ क्लिक करना है। ये देखिए मैंने क्लिक कर दिया तो यह यहां पर बुलेट्स इंसर्ट हो चुका है। ठीक है, इस तरीके से आप बुलेट्स लगा सकते हैं। उसके बाद क्या है, यदि इसको हटाना है तो वापस इसी पर क्लिक करना है। ठीक है, तो हम जहाँ से बुलेट्स रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद नंबरिंग लगाना चाहते हैं तो आपने फिर एरो पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको नंबरिंग के डिज़ाइन, जैसा कि है रोमन में भी है, अल्फाबेटिक भी है, तो अल्फा जहाँ से आप कोई भी चूज़ करके जहाँ से आप लगा सकते हैं। जैसे मान लो मैंने ए अल्फाबेटिक चूज़ किया तो यहाँ पर ए आ चुका है। अब बी कैसे आएगा, जैसे ही मेरा पैरा कंप्लीट हो गया उसके बाद मैं एंटर लगाऊंगा, जहाँ जहाँ आप एंटर लगाओगे उसके बाद अपने आप यहाँ पर जो नंबरिंग है या बुलेट्स है अपने आप आते जाते हैं। ये देखिए मैंने कुछ लिखा, फिर एंटर किया, लिखा कुछ किया, एंटर किया। इस तरीके से आप यहाँ पर बुलेट्स एंड नंबरिंग अपने पैरे में लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं कि पैराग्राफ के अंदर हम स्पेसिंग कैसे करते हैं। स्पेसिंग यहाँ पर एक ऑप्शन है स्पेसिंग का, ये बहुत काम आने वाली है कमांड। इसमें हम स्पेस कैसे डालते हैं, स्पेस का मतलब ये होता है कि हमारे पास दो पैरा है, मान लो इसको मैं यहाँ पर एक बार इसको कर देता हूँ, इसकी नंबरिंग हटा देता हूँ। ये देखिए, पर देखिए दो पैराज यहाँ पर है, इसकी हम सेटिंग कैसे करते हैं। ये स्पेसिंग का मतलब ये है, ये यहाँ पर दो ऑप्शंस मिलेंगे कि इंक्रीज पैराग्राफ स्पेसिंग, कि पैराग्राफ के अंदर हम स्पेस डालना चाहते हैं दो पैरों के बीच। जैसे कि आपको यहाँ पर क्लिक करके दिखाता हूँ, ये देखिए स्पेस हो रहा है ना, दोनों पैरोंस के बीच ऊपर और नीचे दोनों जगह पे स्पेस हो रहा है, तो हम ऐसे स्पेस डाल सकते हैं। यदि इसको कम करना है तो डिक्रीज करना है। ठीक है, यहाँ से हम डिक्रीज कर सकते हैं।
अब उसके बाद ये सेम टू सेम वैसा ही ऊपर हो रहा था इस फर्स्ट पैरा के ऊपर, उसके नीचे भी सेम टू सेम स्पेस हो रही थी। अब मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट पैरा के बाद ही स्पेस हो, उसके पहले ना हो। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर दो ऑप्शंस आपको दिखेंगी, अबव पैराग्राफ और बिलो पैराग्राफ। मीन्स आप अबव का मतलब ऊपर होता है और बिलो का मतलब नीचे होता है। तो अपना अपना कर्जर जैसा कि यहाँ पर है, अब मैं यहाँ पर बिलो करना चाहता हूँ। ये देखिए यहाँ पर बिलो कर दिया, नीचे मीन्स नीचे स्पेस डालना है, तो मैं यहाँ पर इंक्रीज कर दूंगा। ठीक है, यहाँ से इंक्रीज करके मैं यहाँ पर इसकी स्पेसिंग बढ़ा सकता हूँ नीचे की तरफ से। यदि मैंने ऊपर से बढ़ाना है तो मैं क्या करूँगा, अबव कर दूंगा, अबव वाली साइड पर क्लिक करता रहूँगा, तो ये स्पेस आ रहा है ऊपर की तरफ। ठीक है, इस तरीके से आप जहाँ पर स्पेसिंग दे सकते हैं पैरस के बीच। उसके बाद हमने करना है कि हम पैरस के बैकग्राउंड में कलर क्या देना है, उसका बैक कलर क्या देना है, बैकग्राउंड कलर कैसे देना है। तो आपने कोई भी पैरा सेलेक्ट करना है, जहाँ किसी पर क्लिक भी कर सकते हैं और जहाँ पर बैकग्राउंड कलर पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे कलर्स जहाँ पर शो होंगे, तो उसमें आप कोई भी यहाँ सेलेक्ट करके लगा सकते हैं। मीन्स यहाँ पर ये लगाना है, ये देखिए यहाँ पर पैराग्राफ था उसके बैकग्राउंड में कलर लग चुका है, और जो टेक्स्ट का कलर है वो ब्लैक है। यदि उसको भी हम चेंज करना चाहते हैं तो आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। वो वाली पिछली वीडियो में मैंने एक बार बताई थी फॉर्मेटिंग, सेम टू सेम ऑप्शन इस पैराग्राफ पे भी चल जाएंगे। तो आपने यहाँ से क्लिक करना है और आप किसी टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये देखिए टेक्स्ट का कलर चेंज हो चुका है। यहाँ से आप टेक्स्ट कलर और बैकग्राउंड कलर पैराग्राफ का इस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद ये ऑप्शन है इंडेंटेशन की। इंडेंटेशन में क्या होता है, इंडेंटेशन में जगह छोड़ना होता है, इंक्रीज इंडेंट मीन्स जो ये आपके रूलर बार देख रहे हैं ऊपर, ये हमारे रूलर बार में अपनी जगह छोड़ देगा। लेफ्ट साइड से जगह छोड़नी है या राइट साइड से छोड़नी है, ये हम सेट कर सकते हैं। मीन्स यहाँ पर हमारा कर्जर है, ये देखिए यहाँ पर कर्जर कहीं पर भी हो ये इंडेंटेशन कर देगा। अब मुझे इंक्रीज करना है इंडेंट, ये देखिए यहाँ पर ये 0.5, ये 0.5 आगे इंक्रीज होता है। जैसे मैं क्लिक करूँगा 0.5 फिर चला गया, 0.5 फिर चला गया। इसको डिक्रीज करना है डेंट को, तो डेंटेशन को डिक्रीज कर सकता हूँ डायरेक्ट। ठीक है, इस तरीके से आप डिक्रीज कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो। उसके बाद क्या है, यहाँ से आप एक एक मींस यहाँ से तो 0.5 मतलब इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, जहाँ से आप एक एक पॉइंट कर सकते हो। मीन्स यहाँ पर देखिए बिफोर टेक्स्ट डेंट, मीन्स यहाँ पर मैं यहाँ पर करके दिखाता हूँ, देखिए यहाँ से सिर्फ एक एक टेक्स्ट एक एक करेक्टर का यहाँ पर स्पेस हो रहा है। ठीक है, यहाँ से डेंटेशन ऐसे कर सकते हैं। यदि आफ्टर करनी है, आफ्टर मतलब राइट साइड से करनी है, तो इस तरीके से आप राइट साइड से कर सकते हो। इस तरीके से आप पैराग्राफ में इंडेंटेशन कर सकते हो। उसके बाद क्या है, फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन इंडेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हमें हमने देखा होगा कई बार पैराग्राफ ऐसे होते हैं जिनकी फर्स्ट लाइन में जो स्पेस है वो छोड़ा हुआ होता है ज़्यादा, तो उसके लिए हम ये कमांड यूज़ करते हैं फर्स्ट लाइन इंडेंट। जैसा कि सेकेंड पैरा है, मैं इसको यहाँ पर यहाँ लिखना चाहता हूँ, तो क्या करूँगा मैं फर्स्ट लाइन इंडेंटेशन में थोड़ी सी जगह छोड़ दूंगा। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। उसके बाद ये है लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग का मतलब ये है कि जैसे इस पैराज के अंदर मान लो जितनी भी लाइंस हैं उन लाइंस के बीच में स्पेस कितना होना चाहिए, तो उसके लिए आपको यहाँ पर इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा लाइन स्पेसिंग पर। आपको ये चार ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देंगे, स्पेसिंग 1, स्पेसिंग 1.1.5, डेढ़ लाइन का स्पेस, 2 लाइन का स्पेस। तो आप अपनी मर्जी से कितना भी कर सकते हैं। यदि आप कस्टम करना चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक करना है, तो यहाँ से भी कुछ यहाँ पर इनबिल्टी हैं फीचर्स जो आप यहाँ से अपने स्पेसिंग को कवर कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने डबल करना है तो डबल क्लिक कर दिया, ये देखिए यहाँ से स्पेस हो चुका है ना स्पेस यहाँ पर। ऐसे हम इस तरीके से स्पेसिंग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू भी दे सकते हैं, यदि सिंगल लाइन डेढ़ लाइन की स्पेसिंग देना हो तो वैल्यू भी दे सकते हैं। ये देखिए यहाँ से वैल्यू इस तरीके से हटाना हो, वापस हम स्पेसिंग सिंगल पे कर देंगे तो वापस उसी जगह पे हम वापस आ जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से ये पैराग्राफ की सेटिंग हो जाती है। ये हम मैंने बाहर से ही टूल बार में आपको सारे ऑप्शन बता दिए, चाहे तो आप मेन्यू में जाकर भी ये अप्लाई कर सकते हो। मेन्यू में कहाँ जाना पड़ेगा, उसके लिए आपको फॉर्मेट में जाना है। फॉर्मेट में जा करके पैराग्राफ पर क्लिक करना है। ठीक है, पैराग्राफ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर इंडेंट एंड स्पेसिंग है, अलाइनमेंट है, ये मैंने आपको वहाँ पर भी बता दी थी। इंडेंट एंड स्पेसिंग भी हमारा वहाँ पर हो गया था कि टेक्स्ट से पहले कितनी जगह छोड़नी है, टेक्स्ट के बाद कितनी जगह छोड़नी है, फर्स्ट लाइन में कितनी जगह छोड़नी है। तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं अलाइनमेंट। ठीक है, हम उसके बाद क्या था, यहाँ पर ये नंबरिंग था कि हम नंबरिंग भी लगा सकते हैं। यहाँ पर बुलेट्स का नंबरिंग हमने ऑलरेडी कर रखा है। ठीक है,
तो उसके बाद हम एक चीज़ और करते हैं पैराग्राफ में, पैराग्राफ में यदि हमें बॉर्डर चाहिए, बॉर्डर लगाना हो तो वो भी हम बॉर्डर लगा सकते हैं कि बॉर्डर हमें कैसा चाहिए। तो हम यहाँ पर इस तरीके से लगाएंगे कि यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन आपको लाइन अरेंजमेंट में देखने को मिलेंगे, जैसा कि आपको ऑल फोर बॉर्डर है, सेट लेफ्ट एंड राइट बॉर्डर है, ठीक है। यहाँ से आप ऊपर टॉप एंड बॉटम के लिए लगा सकते हो। मान लो हमें पूरा चाहिए तो जहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है उसके बाद पैडिंग देनी है। पैडिंग मतलब जगह छोड़नी होती है लेफ्ट साइड से या राइट साइड से, टॉप से बॉटम से। तो हमारा टेक्स्ट और जो लाइन है बॉर्डर की उसमें कितनी पैडिंग होनी चाहिए, तो स्पेसिंग होता है वो, तो उसके लिए आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। उसके नीचे लाइन कि लाइन की हमें किस तरह का डिज़ाइन चाहिए, मान लो इस तरीके का डिज़ाइन चाहिए, तो उसके बाद आप ये शेडो भी बना सकते हैं, शेडो स्टाइल है। उसके बाद जो बिड्थ है, जो लाइन की बिड्थ है, वो मोटाई है वो कितनी रखनी है और कौन से कलर की रखनी है, यहाँ से आप कलर भी सेट कर सकते हैं। मैं ओके कर दूंगा। ये देखिए अब पैरा, जो पैरा है हमारा, उसके चारों ओर बॉर्डर लग चुका है, ठीक है। इस तरीके से हम पैराग्राफ में बॉर्डर भी लगा सकते हैं। पैराग्राफ को कलर देना है वो सारा कुछ सेम है, आपने कलर मैंने आपको बता दिया, बैकग्राउंड कलर जहाँ से दे देते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा पैराग्राफ का स्टाइल। इस तरीके से हम पैरा की जो पैराग्राफ है उसको हम सेट कर सकते हैं, उसमें हम ये ऑप्शन लगा सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही है, आगे की वीडियो में हम करेंगे हेडर एंड फूटर, पेज ब्रेक, पेज बॉर्डर की कैसे लगाते हैं। तो इस वीडियो को यदि ना समझ में आए तो आप दोबारा से देखना, फिर ही आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।